दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने परमाणु हथियारों की ताकत देखी। यह देखा कि कैसे एक अकेला परमाणु बम ही पलक झपकते किसी भी शहर को राख में बदल सकता है। इसके बाद मानो दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ ही मच गई, क्योंकि आज संसार का हर देश खुद को परमाणु संपन्न बनाना चाहता है, जिसके चलते आज मौजूदा हालात में रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास कुल मिलाकर 13,000 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें से अधिकांश हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु हथियार से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि ये परमाणु बम दुनिया के लिए सर दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर परमाणु संपन्न देश अपने दुश्मन देश को तबाह करने के लिए मिसाइलों के रेंज में निशाना साधे बैठा हुआ है। ऐसे में अगर कभी भविष्य में युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान इन घातक हथियारों का प्रयोग हुआ तो शायद ही पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह बचे जहाँ इस बम ने तबाही ना मचा दी हो। फिर भी दुनिया भर में ऐसे कई देश और जगह हैं जहां हम परमाणु हमले के दौरान खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका। परमाणु हमले की चपेट में अगर दुनिया के सभी देश आ जाते हैं तो अंटार्कटिका धरती पर इकलौती ऐसी जगह हो गई जहां आदमी सेफ रह सकेगा। दरअसल साल 1961 में एक संधि पैक्ट के तहत विश्व के 12 देशों ने अंटार्कटिका को वैज्ञानिक रिसर्च की जगह मानी थी। इस संधि की वजह से यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि नहीं हो सकती, यानी युद्ध के वक्त कोई भी देश इस जगह पर हमला नहीं कर सकता। इस पैक्ट पर लगभग 17 देशों ने साइन कर रखा है। नंबर 2, कोलोराडो, USA। अमेरिका का कोलोराडो भी एटम बम के प्रभाव से बचने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक है। यहाँ चेन पहाड़ पर एक विशालकाय न्यूक्लियर प्रूफ गुफा बनी हुई है। इस गुफा की एंट्री पर 25 टन वजन का भारी भरकम दरवाजा लगा है, जिसे परमाणु बम भी नहीं पिघला सकता। मौजूदा समय में यह नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना हुआ है। साल 1966 में इसे अमेरिकी सरकार ने रूसी न्यूक्लियर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज सोवियत बॉम्बर्स से बचने के लिए बनवाया था। नंबर 3, आइसलैंड। परमाणु हमले के प्रभाव से बचने के लिए आइसलैंड भी सेफ जगह है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ जनसंख्या कम है और सरकार भी न्यूट्रल है। यह देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों से एकदम अलग ही रहता है। ऐसे में इस पर परमाणु हमले की आशंका ना के बराबर है। नंबर 4, इजराइल। आमतौर पर इजराइल का वजूद मिटाने की धमकी मुस्लिम देशों की ओर से मिलती रहती है। इसके बावजूद भी इजराइल में न्यूक्लियर अटैक की संभावना इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म के बेहद प्राचीन स्मारक मौजूद हैं, जिसे कोई खत्म नहीं करना चाहेगा। ऐसे में न्यूक्लियर अटैक का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 5, स्विट्जरलैंड। यह देश बहुत पहले समझ गया था कि अगले वर्ल्ड वार में परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी वजह से साल 1978 में यहाँ पर एक कानून पारित हुआ, जिसके हिसाब से 1978 के बाद बनी हर बिल्डिंग के अंदर न्यूक्लियर फॉल आउट सेंटर होना अनिवार्य है, जिस कारण यहाँ पर ऐसे 3,00,000 से भी अधिक निजी और सार्वजनिक परमाणु आश्रय स्थल हैं, जो परमाणु हमले के दौरान इस देश के लोगों की जान बचाएगा। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताइएगा कि क्या भारत को भी ऐसे बंकर की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के दोनों जानी दुश्मन देश परमाणु संपन्न हैं।